আমাদের সাথে আছেন উমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার কৃষ্ণা রাজ চৌধুরী ম্যাম, ওনার সাথে কথা বলে নিচ্ছি। ম্যাম, সবসে পহলে তো আপসে জাননা চাহুঙ্গি, ইউপি কে ফোর্থ ফেজ কাজ ইলেকশন হ্যায় ও ভি অব হো গিয়া, তো আব এসে মে কিতনা কিতনি মজবুত বিজেপি খুদ কো দেখ রহি ইস ইউপি ইলেকশন মে? উত্তর প্রদেশ কি জনতা নে জেসে হি মাননীয় অখিলেশ জি কি সরকার বনি থি, বড়ে হি उत्साह के साथ उनकी सरकार बनाई थी वर्ष 2012 में, और जैसे जैसे उनकी सरकार की क्रियाकलाप देखती गई, जनता के ऊपर कहर बरपता गया, उसी समय से तय कर लिया था जनता ने कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आनी चाहिए वर्ष 2014 में। और उसका भरपूर जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता का रहा, जिसमें हम 73 सीटों पर विजयी हासिल किए, और ना के बराबर सीटें थीं, कैसे जीते वो तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आज ही नहीं, बहुत पहले से, जब एमपी का चुनाव हुआ था, भारत सरकार बनी थी, उससे पहले से तय कर रखा था कि अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो नेतृत्व है उन्हीं पर विश्वास करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। और इसलिए हम सब जानते थे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने जा रही है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, अगर बात करें सीएम चेहरे की, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो कौन होगा सीएम चेहरा, इसको लेकर अभी तक कुछ डिसाइड हो पाया है बीजेपी का? देखिए, ये नेतृत्व हमारे यहाँ पार्टी में शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है, और जो समय पे उचित लगेगा वह वही करेगा जी। अगर बात करें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, तो आप मंत्री हैं और आपका मंत्रालय है, तो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो किस तरीके से महिलाओं और बच्चों के लिए, जो काफ़ी सारी समस्याएं अभी भी बनी हुई है, तो उनके उत्थान के लिए क्या कुछ करेगी सरकार? देखिए, आज भी हमारा भारत सरकार में महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये सच बात है कि पिछले जो सरकार रही है आदरणीय अखिलेश जी की, उसने ज़मीन पर उन लाभार्थियों को जो जिनको लाभ मिलना चाहिए था, वो महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, उन तक नहीं पहुंच पाया और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। और सबसे पहले तो हम अपनी सारी योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जो लाभार्थी हैं, महिला हो या बाल हो जी। और मैम, आपसे जानना चाहूँगी, अगर इस बार बात करें तो सपा में बहुएं भी आगे हैं, अपर्णा यादव को भी उतारा गया है मैदान में, दूसरी तरफ अगर बात करें प्रियंका गांधी भी बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार कर रही है और काफ़ी कुछ बयानबाजी भी हो रहे हैं, तो ऐसे में इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता दिखेगा? जब जो है लोगों को लगता है कि हम हार रहे हैं, तो हर तरफ से पूरा कुल खानदान जुट जाता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अत्याचार और अन्याय, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया और विकास को अवरुद्ध किया है, इसके नाते उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी प्रचार को सुनने वाली नहीं है। धन्यवाद। তো আমাদের সাথে ছিলেন উমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার কৃষ্ণা রাজ ম্যাম, যিনি বিভিন্ন ব্যাপারটা ভালোভাবে জানিয়ে দিলেন কি ইউপি ইলেকশনে পুরো পূর্ণ বহুমতে বিজেপির গভর্নমেন্ট আসছে, কেন মোদি গভর্নমেন্টের উপরে সবাই পুরো রকম যে পাবলিক আছে ভরসা করেছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উনি বিভিন্ন যে অন্যান্য দলের আছে ওদের ব্যাপারেও জানিয়ে দিলেন। ভিডিও জার্নালিস্ট বিবেকের সাথে আমি সুচিত্রা মুখার্জি, এএনএম নিউজের জন্য দিল্লি থেকে।